दोस्तों श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, अगर देखना चाहते हैं हनुमान चालीसा की शक्ति, तो पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए इस गुप्त तरीके से करें हनुमान चालीसा का पाठ, फिर देखें चमत्कार। दोस्तों आज मैं आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने का बहुत ही चमत्कारिक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने एक ऐसा अचूक उपाय बताया है। अगर आप इस उपाय के तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको इसका काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना उसे हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों आगे जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिखते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना उसे महादेव जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने जो उपाय बताया है, दोस्तों सबसे पहला उपाय, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं शनिवार या मंगलवार के दिन, तो आप हनुमान जी के सामने बैठ के करते होंगे, आप बिल्कुल सादा तरीके से करते होंगे, जिसका आपको कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इस तरीके से पढ़ा गया हनुमान चालीसा हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं। पूज्य गुरु जी ने जो तरीका बताया है, दोस्तों इस तरीके को अपनाने के लिए आपको यहाँ पर एक लोटा लेना होगा, जो कि आपको तांबे का या पीतल का या स्टील का जो भी आपको लोटा मिल जाए, उस लोटे को आपको लेना है, और उस लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भर के लेके आना है। अगर आप मंदिर में से जल लेते हैं तो आपको कुछ पैसे वहाँ मंदिर में जरूर चढ़ाने चाहिए, एक रुपया, दो रुपया, पाँच रुपया, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी, वरना आप अपने घर से ही जल लेके जाएं। अब देखिए, जल जो आपने लिया उस लोटे में आपको एक रुपये का सिक्का डालना है, एक पीपल का पत्ता डालना है, और दोस्तों उसमें एक साबुत हल्दी का टुकड़ा आपको डालना है। ये तीन चीज़ें डालने के बाद अब आपको एक आसन लगाना है हनुमान जी के ठीक सामने। उस आसन पर आपको बैठ जाना है और लोटे को अपने पास रख लेना है। फिर आपको एक गोल बाती का देसी का दीपक और प्रज्वलित करके रख लेना है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद दोस्तों आपको दीपक को हनुमान जी के सामने लगा देना है, और जो एक लोटा जल है उस जल को आप किसी पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर पीपल के पेड़ के जल में अर्पित कर दें, और फिर पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा लगा लें। दोस्तों पूज्य गुरु जी के अनुसार जो भी व्यक्ति इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। इस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके हर काम बनने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरु जी का अनुसार बताया गया ये उपाय अच्छा लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों साथ में भी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि महादेव आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी कर दें।